सकते हैं। यदि समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे तो a1 by a2 इक्वल टू होना चाहिए b1 by b2 इक्वल टू होना चाहिए c1 by c2। करके देखते हैं इक्वल हो रहा है कि नहीं। 1 by 5 2 by k इक्वल टू 3 by minus 7। आप यहाँ पे देखो ये 1 by 5 कभी भी 3 by 7 के minus 7 के इक्वल होगा नहीं ना, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए लिख देंगे कि नहीं के किसी भी मान के लिए समीकरण निकाय के अनंत हल नहीं होंगे, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन।